नोएडा सेंट्रल जोन की कोतवाली इकोटेक 3 क्षेत्र में स्थित अम्रपाली मॉल के पीछे बाइक सवार बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई और लूट के मामले में फरार चल रहा आबिद पुत्र रहीसुद्दीन के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इकोटेक 3 पे एक बंधक बनाकर कार लूट की घटना करी गई थी, जिसका सफल अनावरण इकोटेक 3 पुलिस द्वारा किया गया। इसमें पूर्व में 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था और एक अन्य अभियुक्त आबिद इसमें वांछित चल रहा था। आज सूचना थी कि वो इस क्षेत्र में एक्टिव है, इसके लिए शाम से ही चेकिंग करी जा रही थी, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ आबिद को गिरफ्तार किया गया है। आबिद का अन्य आपराधिक इतिहास भी है, उसकी जानकारी करी जा रही है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है।